हेलो गाइस वेलकम टू हेलो शिक्षा सो गाइस आज का चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास ट्वेल्थ का टर्म टू सिलेबस राइट सो समू सिलेबस इज विद स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस सो लेट्स बिगिन सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गिवन और द टॉपिक यू कैन से इज वॉट इज हेल्थ सो हेल्थ इज बेसिकली वाट इट इज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बींग यानी कि किसी भी ह्यूमन बींग की फिजिकल कंडीशन मेंटल कंडीशन एंड सोशल कंडीशन जो पर्टिकुलरली वेल बींग होती है दैट इज कॉल्ड योर हेल्थ ठीक है हेल्थ अगर अच्छी है इफ़ यू हैव हैविंग गुड हेल्थ सो इट इंक्रीजेज य प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर्स लॉन्गेटिविटी इस अगर अच्छी हेल्थ है तो वह आपका क्या करती है कि प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपकी लाइफ की लॉन्गटिविटी भी ज़्यादा होती है सेकेंड टॉपिक जो यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज़ वेज टू इंश्योर गुड हेल्थ यानी कि हमारी एन सी आर टी के टॉपिक वाइज ही मैं आपको नोट्स दे रही हूँ आप उससे कंपेयर भी कर सकते हो ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं कि वॉट आर द वेज दैट इंश्योर्स गुड हेल्थ सो so, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं बेसिकली आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि मैं जो भी नोट्स आपको देती हूँ दैट आई प्रोवाइड यू विद पॉइंट्स सो पॉइंट्स से पढ़ने में आपको आसानी भी होगी एंड यू विल बी ईजली एबल टू रिकॉल तो पहला पॉइंट है बैलेंस डाइट पर्सनल हाइजीन एक्सरसाइज अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल्स वैक्सीनेशन सो so, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं आप देख सकते हो ये होते हैं वेज कि हम कैसे गुड हेल्थ को अटेन कर सकते हैं ठीक है सो ये कुछ वेज हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सब्जेक्टिव वाइज भी एज पर एंड फॉर योर वॉट एम सी क्यू अब वैसे तो आपका टर्म वन ही एम सी क्यू बेस था बट या अभी हमें कुछ कन्फर्म नहीं क्योंकि हमें हमारे कोरोना के केसेस फिर से स्टार्ट हो रहे हैं बढ़ना सो वी आर नॉट नोइंग हम दोनों भी दोनों पर्टिकुलरली वेज में पढ़ने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज़ होता है डू डिजीजेज आकर ठीक है सो मतलब कि हमारी बॉडी में डिजीज़ की सिम्टम्स या डिजीज़ होना क्यों शुरू होती है तो यहाँ पर थ्री पॉइंट्स हैं जो मैंने रेगुलरली मैंशन किए हैं क्या है कि जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं ठीक है जेनेटिक रीजंस क्या हो सकते हैं कि इनिटिएट डिफिशियंसी हो सकती है या फिर इनहेरिटेबल डिफेक्ट्स हो सकते हैं यानी कि इन दोनों चीज़ों के बारे में इनिटिएट डिफिशियंसी एंड इनहेरिटेबल डिफेक्ट्स इन दोनों के बारे में अभी हम चैप्टर में आगे आने पर पढ़ेंगे अभी के लिए पर्टिकुलरली आप जान लो कि ये कौन से कैटेगरी ऑफ रीजन्स में फॉल करते हैं ठीक है सेकेंड है इन्फेक्शंस हमारी बॉडी अगर बहुत दिन तक किसी रॉन्ग इन्वामेंट में रहती है और अडॉप्ट नहीं कर पाती है तो उस चीज़ पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट का हमें क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है वी गेट इन्फेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग सो इन्फेक्शन आर द रीज़न कि हमें डिजीज़ हो सकती है अभी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे है कि क्या क्या टाइप्स की डिजीज़ होती हैं जो कि अलग अलग ग्रुप में फॉल की गई हैं सो वी आर गोइंग टू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट दैम थर्ड वन इज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी कि जंक फूड हमारी लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है हम घर के बने हुए खाना नहीं खाते हैं स्पेशली द यंगस्टर्स दे डोंट लाइक फ़ूड को बाय द मॉम एट होम बिकॉज इट इज़ जस्ट टू प्लेन फूड बट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है हमारी बॉडी में आजकल जंक फूड कंजम्पशन ज़्यादा हो गया है एल्कोहल ड्रग्स आज की यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा फ्री होने के साथ उन्हें फ्रीडम जी जा रही है तो वो गलत पाथवे पर जा रहे हैं दैट इज़ कि वो एल्कोहल्स और ड्रग के अटैक में हो रहे हैं एक्सरसाइज लैक हो रही है बिकॉज आप कह सकते हो बिजी लाइफ स्टाइल हो गई है या फिर नॉट गिविंग सो मच इम्पॉर्टेंस टू एनी पर्टिकुलर थिंग सो ये तीन रीजन हो सकते हैं कि हमारी बॉडी में डिजीज़ क्यों होती है ठीक है अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ पायथोजेनिक डिजीजेस पायथोजेनिक डिजीजेस क्या होते हैं इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो ये कि वॉट आर दीज पाइथोजेनिक डिजीज पाइथोजेंस क्या होते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पाइथोजेंस क्या होते हैं सो so पाइथोजेंस होते हैं they are the parasites parasites that enter the human body through various means, then multiply and interfere the normal vital activities. यानी कि पाथोजें हमारे ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि दूसरे किसी ऑर्गेनिज़म के बॉडी में एंटर करते हैं और वहाँ पर रहते हैं फिर उसी जो उन्होंने होस्ट जिस बॉडी में वो एंटर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं होस्ट ठीक है होस्ट बॉडी में जब वो एंटर कर रहे हैं तो होस्ट बॉडी में वो मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट बॉडी की सेल्स में मल्टीप्लाई करते हैं और जब वो मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज़ कर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में नॉर्मल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करने लगते हैं जो भी हमारे पैरासाइट्स होते हैं या ये पाइथोजन होते हैं ये क्या करते हैं कि अपनी नीड को पहले फुलफ़िल करते हैं एंड देन हमारी बॉडी में ये डिफेक्ट भी कॉज करते हैं एक हमने रिलेशन पहले पढ़ा है सिम्बासिक रिलेशनशिप जिसमें कि दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट बट यहाँ पर के केस में इंटरडिपेंडेंस नहीं होता है पाथोजेंस जस्ट लुक आफ्टर और दे लुक अप फॉर अ होस्ट अपने रहने के और खाने पीने एंड मल्टीप्लाई करने के लिए वो एक जगह ढूंढते हैं दैट्स ऑल फॉर दियर सेक उन्हें क्या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में वो रह रहे हैं वो उन्हें इफ़ेक्ट कर रहे हैं बुरी तरीके से या नहीं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अब यहाँ से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू हो रहा है दैट इज़ बैक्टीरियल डिजीज़ पायथोजेंस यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम जो कि हमारी बॉडी में एफेक्टेड करते हैं सो so, इन्हीं पायथोजेंस की कैटेगरी में पहला पॉइंट आता है बैक्टीरियल डिजीज का यानी कि ऐसे डिजीज़ जो कि बैक्टीरियाज के वजह से कॉज हुई हैं सो बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहली है हमारी टाइफॉइड एंड सेकेंड वन इज़ निमोनिया सो आज हम दो बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करेंगे टाइफॉयड एंड निमोनिया ठीक है टाइफाइड का मैं आप देख सकते हो मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आई हैव गिवन यू फाइव पॉइंट्स और मैंने आपकी बुक में जितना भी दिया हुआ है पैराग्राफ में वो मैंने सारा यहाँ पर क्या कर दिया है पॉइंट में दे दिया है आप देख सकते हो कि पैराग्राफ में देखने में वही चीज़ कितनी एक्सपेंडेड लग रही है और यहाँ पर वही चीज़ मैंने कितनी शॉर्ट में करके आपको बता दी है राइट सो अब हम एक एक पॉइंट देखते जाएंगे एंड देन वी विल बी कमिंग टू दीज थिंग्स नाउ लेट्स सी यहाँ पर है पहला पाइथोजन पाइथोजन क्या होता है कि पाइथोजन यानी कि ऑर्गेनिज्म जो टाइफाइड कॉज करते हैं सो so, सेलमोनीलिया टाइफे जो होता है वो टाइफाइड का कॉज करता है स्प्रेड किससे होता है स्प्रेडिंग मीन्स क्या है टाइफाइड का कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर यानी कि हमारा फूड एंड वाटर अगर कभी कंटेमिनेट हो जाता है इस से सेलमोनीलिया टाइफाइड से तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में टाइफाइड हो जाता है ठीक है साइट ऑफ इन्फेक्शन यानी कि हमारी बॉडी में किस जगह ये इफेक्ट करती है हमारे हम फूड खाते हैं पानी पीते हैं तो वो हमारे स्टमक तक जाता है बट स्टमक तक पहुंचने में वो बहुत सारे हमारी बॉडी में पाथवे को क्रॉस करता है तो क्या होता है कि ये जो पाइथजुन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है और किसी ऑर्गेनिज्म सॉरी और किसी ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करता है कमिंग टू एंड टॉकिंग अबाउट सिम्टम तो हाई फीवर स्टमक पेन हेडेक लॉस ऑफ एपीटाइट कंसेप्शन इंटस्टाइनल फॉर्मटेशन ये सारे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं वहीं दूसरे इंसान में जो ह्यूमन ए को सिम्टम दिखाए हो सकता है वो ह्यूमन बींग को ना दिखे सो so, इस वजह से हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ सिम्टम्स को कॉमन कर लिया कॉमन इन द सेंस कि ऐसे सिम्टम्स कि जो हमारे इन दोनों ही दोनों ऑर्गेनिज्म में विजिबल थे तो उन्हें उन्होंने क्या कर लिया एज अ कॉमन सिम्टम कर लिया तो फॉर टाइफॉइड हमारा हाई फीवर स्टमक पेन हेडेक भूखना लगना यानी लॉस ऑफ एपिटाइट इंटस्टाइनल परफॉर्मेशंस ये क्या होते हैं ये सारी चीज़ें कॉमन सिम्टम्स में आती हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट यानी कि अगर आपको कन्फर्मेशन करना है कि आपको टाइफॉइड हुआ है या नहीं तो फॉर दैट से एक आप यूज़ करते हो वाइडल टेस्ट वाइडल टेस्ट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर वर्ड फॉर टाइफॉइड यानी कि टाइफॉइड आपको कन्फर्म करना है कि टाइफॉइड उस पर्टिकुलर ह्यूमन बींग को हुआ है या नहीं तो आप क्या करोगे वाइडल टेस्ट उसका कंडक्ट करवाओगे अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ डिटेल में कि वाइडल टेस्ट क्या होता है अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बताऊंगी जिसमें आपको डिफाइन क्या होगा कि वाइडल टेस्ट क्या होता है उसको कैसे कंडक्ट करवाया जाता है एंड हाउ इट रिवील्स द सिमटम्स ऑफ टाइप वाइड ना कमिंग टू नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टूडे दैट इज़ निमोनिया निमोनिया का पाइथोजन क्या होता है दे है टू टाइप्स ऑफ पाइथोजन दो तरीके के पाइथोजें होते हैं जिनसे हमारा क्या होता है निमोनिया कॉज हो सकता है पहला होता है स्टेरेपटोकोस्ट निमोनी और दूसरों हेम्योफेलस इंफ्लुएंजे ना यानी कि ये निमोनी बैक्टीरिया है और ये एक इंफ्लुएंजिक कैटेगरी का बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है हमारा निमोनिया कॉज करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि आपको पैथोजेंस के नेम साथ में सिम्टम्स एंड साइट ऑफ इन्फेक्शन याद होने चाहिए अगर किसी भी डिजीज का कंफर्मेटरी टेस्ट मेंशन हुआ है आपकी बुक में सो यू शुड नो दैट टू ओके सो पैथजेंस क्या है स्टेरिपिटिकोट निमोने एंड हेमाफेलस इंफ्लुएंजे कमिंग टू स्प्रेड थ्रू यानी कि ये कैसे स्प्रेड होता है सो स्प्रेडिंग मीन्स यहाँ पर जो इसका दिया हुआ है दैट इज ड्रॉपरेट और एरसोरो रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन शेयरिंग यूटेंसिल्स यानी कि निमोनिया का जैसे अगर कोई पर्सन है वो खांस रहा है छींक रहा है तो हमारे मुंह से हमारे जो सिलाईवो होता है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं और वो हमारे इन्वामेंट में रिलीज़ हो जाते हैं तो जो भी पर्सन था ये इसने इसने काक किया या स्नीज किया तो इसने क्या किया कि ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट को इन्वामेंट में छोड़ दिया ये है हमारा एफ़ेक्टेड पर्सन ठीक है एफेक्टेड पर्सन है अगर यहाँ पर फिर इन्हीं ड्रॉपलेट्स के कंट्रोल में आसपास कोई हेल्दी पर्सन आता है तो वो क्या होगा सफ़र करने लगेगा उसी डिजीज़ से जिस डिज़ीज़ से ये इंसान एफेक्टेड था या फिर जिसने इस डिजीज़ और ड्रॉपलेट्स को इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया था तो स्प्रेडिंग मीन्स निमोनिया का क्या है कि स्प्रेडिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज साइड ऑफ इन्फेक्शन ओके सो साइट ऑफ इन्फेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है साइट ऑफ इन्फेक्शन है एल्विलाई अब लेट मी रिकॉल यू क्विकली कि एल्वलाइज क्या होते हैं सबको आई थिंक पता है ट्वेल्थ में हम लोग हैं एंड वी आर लर्नोइंग सो एल्वलाइज क्या होते हैं दे आर द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और यू कैन से पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि हमारे क्या होते हैं लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है लंग का जहाँ पर हमारा गैसेज एक्सचेंज होता है यहाँ पर एक्चुअली में हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है ये कुछ ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है यहाँ से हमारा गैसेज एक्सचेंज होता है नाउ आई थिंक कि सबको याद आ गया होगा कि मैं किस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ हमारी बॉडी में सो so, यहाँ पर क्या होता है कि एल्वलाई में हमारा एक फ्लूड जमा होने लगता है निमोनिया में हमारे एल्वलाई के अंदर फ्लूड जमा होने लगता है इकट्ठा होने लगता है तो उससे क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में अगर ये एल्वलाई है और यहाँ पर हम क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होता है बट अगर यहाँ पर फ्लूड जमा होने लगा है तो ये क्या हो जाएगी ये एक डेंस एरिया हो जाएगा गैस एक्सचेंज होने में डिफ़िकल्टी आने लगेगी सो so इसी एक्मलेशन ऑफ फ्लूड की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ब्रीदिंग में हमें ईश्यू होने लगता है और सिम्टम्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिम्टम्स में भी आपको ईजिली मैंशन किया गया है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं फीवर होने लगता है चिलनेस होने लगती है ह्यूमन बींग को यानी कि उसे ठंडी लगने लगती है कफ़ होता है हेडेक होता है लिप्स एंड नेल बिकम ग्रे इन सीवियर कंडीशन तो यानी कि अगर किसी ह्यूमन को सीवियर कंडीशन का सीवियर स्टेज का निमोनिया हो गया है तो उसके नील्स एंड लिप्स क्या होते हैं ग्रे या फिर डार्क ब्लू ब्लू कलर के होने लगते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं दैट पर्सन इज इन सीरियस कंडीशन सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा हमने थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब